हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किड्स लर्निंग सुप्रीति चौधरी। आज हम इस वीडियो में आपको मल्टीप्लाई के दो ट्रिक्स बताऊंगी। ये ट्रिक्स आपको स्टैंडर्ड 8 से लेकर यूपीएससी तक काम आएंगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ट्रिक्स के साथ। पहला ट्रिक है हमारा एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 99। 99 के साथ हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 44। तो हमें इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालना होगा? 44 से हमें एक नंबर कम लेना होगा जो कि 43। अगले स्टेप में उसी 43 को 99 के साथ माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 56। 99 × 44 मल्टीप्लिकेशन इसका आ जाएगा 4356। कितना आसान है। अगला एग्जांपल देखते हैं। 99 के साथ अगर हम नंबर लेते हैं 57, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ भी वही करना होगा, 57 से एक नंबर कम लेना होगा जो कि 56। फिर सेकंड स्टेप में उसी 56 को 99 से माइनस करना होगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5643। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 999 के साथ अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें क्या करना होगा? यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करना होगा, 348 के साथ 1 माइनस करना होगा, 347 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में उसी 347 को 999 से माइनस करना होगा और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई आ गया 347652। बहुत आसान है दोस्तों। अगर अगला एग्जांपल देखिए, अगर नंबर है 9999, तो इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है इस ट्रिक के साथ। यहाँ पे हमने नंबर लिया है 6524। पहले स्टेप में 6524 से एक नंबर कम लेना होगा जो कि 6523 है। फिर उसी नंबर को माइनस करेंगे 9999 से, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 6523 3472। चलिए अब अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। 9999 के साथ 6524 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करना है, 6524 से एक नंबर कम लेना होगा, 6523 हमारा आंसर आएगा। फिर उसी नंबर के साथ 9999 का माइनस करेंगे, तो टोटल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6523 3476। बहुत आसान है। चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 99 के साथ 65 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा, यहाँ 65 के साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 6500। ओके, फिर इसी नंबर के साथ हमें 65 माइनस करना होगा, 6500 के साथ 65 माइनस करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 6435। यही हमारा मल्टीप्लाई है। बहुत आसान है ना दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 98। अगर 98 के साथ हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तब हम क्या करेंगे? ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वही करना होगा। यहाँ पे 57 के साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिलेगा 5700।
फिर अगले स्टेप में 57 के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 98 100 से दो नंबर कम हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 114। फिर उसी नंबर को 5700 के साथ माइनस करेंगे और हमारा मल्टीप्लाई हमें मिल जाएगा 5586। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। बाय बाय फ्रेंड्स।